नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर में थाना खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के उस्मानपुर रोड स्थित बम्बे के निकट अधिवक्ता के बेटे की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। वही सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पूरे मामले की पुलिस गंभीरता से जांच कर रही है। पहले भी मृतक सुमित गुप्ता के ऊपर अटैक हो चुका है और पहले भी अटैक में सुमित को गोली लगी थी, लेकिन इलाज के दौरान सुमित गुप्ता बच गए, जिसके बाद आरोपी को पुलिस ने जेल भेज दिया था। पीसी बुलंदशहर से प्रदीप पंडित की एक खास रिपोर्ट। मामला हुआ है, घटना हुई है, क्या मामला है पूरा? भैया यहाँ तक गए हो वो बल्ब लेने के लिए 8:15 बजे के करीब, फिर हमने फोन करो बाबू 8:30 बजे, माने ना उठाई कॉल, फिर दोबारा इन्हें करो, मैंने कहा खाना खा रहे, पहले सुमित को फ़ोन कर लो, फिर इन्हें फ़ोन करो तो कैसे पुलिस वाले ने उठाया हुआ, उठा के नहीं है, कहा कि वकील साहब यहाँ आ जाओ, ये गए और अपने लड़का को लेवा के लगे, वो खुद एडवोकेट है, खुद पढ़ा हुआ है, उसके रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ है। किसी से रंजिश की? मेरी तो भैया कहे थे रंजिश नहीं, पहले भी गोली इस बच्चे को लगी थी। हाँ, किसने मारी थी, क्या मामला है? अब कुछ पता नहीं हमें किसने मारी है, मैं तो भैया हम ना कहते देखो ना बाहर। ये आपके बच्चे के जो गोली लगी है, क्या पूरा मामला है? इस समय कुछ पता नहीं जी, क्या कैसे, यहाँ से तो घर से बल्फ लेने गया था, ये बल्फ और चिमटी वो ले आऊँ मैं, मैंने मना भी किया था कि भैया अब समय नहीं है, कभी घर से नहीं जाता, ना शाम को घूमने जाता, ना सुबह को कभी घूमने जाता, आज वो बल्फ लेने के लिए गया था। इतने बीच में आपको कैसे सूचना प्राप्त हुई थी? पुलिस के द्वारा लगी, मैंने उसको टेलीफोन किया लड़के को, तो वो इंस्पेक्टर साहब ने उठाया। इससे पहले भी 2 साल पहले भी वो गोली लगी थी जी जी, तो उसमें कौन दोषी पाया गया था? उसमें एक माँ चढ़ के हैं लड़का दीपक, उसमें वो था। तो पुरानी रंजिशन चल रही है किसी से आपकी? ना उससे, उस दिन से उस कभी बोल चलता उसकी हुई ना, ना हमारी कभी हम उससे बोले, ना वो कभी हमसे बोला, ना कभी कोई आमने सामने आए, ना कभी तारीख पर गए, हालांकि आज डेट थी, लेकिन कभी आमने सामने। आपने पुलिस को तहरीर दी है किसी? आज नहीं, नहीं। गोली मार करके अधिवक्ता के बेटे की हत्या की गई है, क्या मामला है? ये सुमित कुमार गुप्ता नाम का एक युवा लड़का है, जिसकी उम्र लगभग 25-26 वर्ष के आसपास थी, और इसके पिता अशोक गुप्ता अधिवक्ता हैं, तहसील में वकालत करते हैं। इनका कहना है कि शाम को 6 बजे के आसपास उनका बेटा घर से बल्ब लेने के लिए निकला, लगभग 9:15 बजे के आसपास इन्हें सूचना मिली, और उस आधार पर इन्होंने एक तहरीर दी है बनाम अज्ञात। जो प्राथमिक छानबीन से बात निकल के आ रही है कि आज से लगभग 2 वर्ष पूर्व इस लड़के को गोली अलीगढ़ बॉर्डर पर मारी गई थी, उसमें जो अभियुक्त, उस समय भी अभियोग जो है बनाम अज्ञात पंजीकृत हुआ था, बाद में इसी लड़के ने जो मृतक है शिनाख्त के आधार पर दीपक पुत्र धर्मपाल नाम के एक व्यक्ति को उसमें प्रकाश में लाया गया, इसकी शिनाख्त के आधार पर वो अभियुक्त जेल गया और बाद में हाई कोर्ट से बेल आउट हुआ, और इन्हें काफ़ी कुछ आशंका उसी को लेके है। उस प्रकरण में भी कोई ऐसी रंजिश अब तक बहुत महत्वपूर्ण नहीं निकल के आई है, उसमें इनका ये कहना है कि जिस लड़के ने गोली मारी थी उसके पिता ने एक मुकदमा किया था तहसील में, जिसमें पैरवी वकील साहब कर रहे थे इसके पिता, और उस प्रकरण में इन्होंने करीब 40-50 हज़ार रुपये उससे लिए थे, वो केस हार गए थे, तो इनको ये आशंका है कि उसी वजह से प्रतिशोध में उसने इनके बेटे को गोली मारी थी। फिलहाल सभी पहलुओं पर बहुत गहराई के साथ हम लोग छानबीन कर रहे हैं, और काफ़ी कुछ सुराग भी मिला है घटना के बाद और घटना के क्रम के संबंध में, और बहुत जल्दी हम लोग इसको वर्कआउट कर लेंगे।